हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने नए वीडियो में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। न्यू टॉपिक को या कि जो लास्ट वीडियो था उसी का कंटिन्यू है। चलिए क्या करेंगे, आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के। जो हम लोगों ने इसके पहले की लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब हम डिबेंचर इश्यू करते हैं तो उसकी एंट्रीज कैसे पास करते हैं, वहां पे मैंने आपको तीन कंडीशन पे समझाया था। एक, अगर पार पे इश्यू हो तब कैसे करना होता है, प्रीमियम पे इश्यू हो तब कैसे करना होता है, इवन डिस्काउंट पे इश्यू तब कैसे करना था। ये तीनों कंडीशंस को मैंने वन बाय करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइट। अब यहाँ पे हम एक बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपके जो माइंड में जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो क्वेश्चन है वो मैंने गुजरात बोर्ड की बुक में से लिया हुआ है। ओके, मैं आपको एक बार स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। और जिनके पास बुक्स है तो वो तो डायरेक्टली बुक में से देख सकते हैं, और जिनके पास बुक नहीं है वो पॉज कर ले या स्क्रीनशॉट लेके एक बार क्वेश्चन रीड कर ले, तो क्या क्वेश्चन आपको पता रहेगा तो सॉल्व करने में ज्यादा मजा आएगा। ओके, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। हम लोगों का क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 4, सचिन मार्बल लिमिटेड। ओके, आप इसे एक बार देख लो और जो भी चीजें हैं पढ़ लेना, ठीक है। पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके जैसा आपको सही लगे। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग का क्वेश्चन है, सचिन मार्बल लिमिटेड इश्यूड 12,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। इंटरेस्ट इज टू बी पेड एट द रेट ऑफ 10%। यहाँ पे इंटरेस्ट पेड का मतलब क्या है कि जो डिवेंचर का रेट है वो है 10%। फिर बोला है द अमाउंट वेयर कॉल्ड पर डिवेंचर एज अंडर विद एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 45, कॉल 25। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड बाय कंपनी ऑफ 15,000 डिवेंचर after allotment of 12,000 debenture, rejected application of debenture and refunded the money to applicants। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन ना समझ में आया तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे भी मैंने लिखा उसे एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इशूड कितना है 12 है, रिसीव कितना किया है 15 है। जो मैंने थियोरी में क्वेश्चन लिखा था उसी को मैंने यहाँ पे डिजिट्स में कन्वर्ट किया है। और उसके बाद यहाँ पे 3,000 रिजेक्ट है। क्या बोला था, एक्सेस जो एप्लीकेशन आया था उसको क्या करना है, रिजेक्ट करना है। एक्सेस कितना है, हम लोग को मिला था 12,000, सॉरी हमने इश्यू किया था 12,000 और हमें मिला कितना था 15,000, तो एक्सेस कितना हो गया 3,000 हो गया। क्लियर दिख रहा है, उसको हमने क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया हुआ है। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन के साथ 30 रुपीज है, अलॉटमेंट के साथ है 45 रुपीज है और कॉल पे था 25 रुपीज। क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब देखो हमने क्या पढ़ा है कि जब हम पैसे मांगते हैं या लोगों से हमें एप्लीकेशन के पैसे मिलते हैं तो फर्स्ट एंट्री जो होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। यानी जो फर्स्ट होता है उसमें हमें डिवेंचर के पैसे मिलते हैं, तो जब डिवेंचर के पैसे मिलेंगे हम लोगों को तो यहाँ पे देखो हमने रिसीव कितना किया था, 15,000 एप्लीकेशन रिसीव किया था ना, तो यहाँ पे पैसे भी कितने के हिसाब से मिलेंगे, 15,000 के हिसाब से मिलेंगे। यानी 15,000 मल्टीप्लाई बाई 30। इतना क्लियर हुआ, जितना शेयर हमने इश्यू किया था उससे ज्यादा एप्लीकेशन मिला है, तो जो एप्लीकेशन दिया होगा जिन लोगों ने उन सबने पैसे दिए होंगे, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाई 30, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4,50,000। ये कितना हो जाएगा आपका 4,50,000। इतना समझ में आया। फिर ये पैसे मिलने के बाद इस पैसे को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। कहां पे, डिवेंचर अकाउंट में। तो उसकी एंट्री क्या करोगे, यहां पे लिखोगे डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, राइट। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एक्सेस एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड, और एक्सेस कितना था, यहां पे मैंने क्लियर लिखा हुआ 3,000, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट, राइट। और कितना रिजेक्ट किया था, 3,000 रिजेक्ट किया था, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 30। समझ में आया। और हमारा जो मेन था वो कितना था, 12,000 था, तो यहाँ पे आएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 30। और यहाँ पे स्टार्टिंग का जो ये अमाउंट है 450, वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है, कोई सोचना नहीं कि क्या होगा। यहाँ पे 450 कॉपी पेस्ट करो और 12,000 मल्टीप्लाई बाय 30 करोगे तो ये आपका 3,60,000, और ये 3,000 मल्टीप्लाई बाय 30 करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 90,000। क्लियर हुआ, सिंपल है, कुछ सोचना नहीं है। देखो यहाँ पे साफ साफ क्लियर लिखा है कि भाई हमने 12 इश्यू किया था, हम जितना इश्यू करते हैं उतना ही पैसा रख सकते हैं, बाकी हमें क्या करना होगा, रिटर्न कर देना होगा। तो वही मैंने किया है, जितना हमने इश्यू किया था उतना रख लिया अपने पास और बाकी का हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया। इतना क्लियर हुआ, समझ रहे इतना। अब उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होता है, अलॉटमेंट का। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हम लोगों के पास से पैसे मांगते हैं। इसके पहले वाले में लोग हमें सामने से पैसे दे रहे थे, अब हमारी बारी आई, हम उनसे पहले पैसे मांगेंगे। तो जब हम उनसे पैसे मांगेंगे तो फर्स्ट एंट्री जो होती है वो कॉल करने की होती है। क्या होती है फर्स्ट एंट्री? कॉल करने की। तो उसकी एंट्री क्या करोगे, नंबर 3 पॉइंट है आपका, यह है अलॉटमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हमने क्या क्या उनसे कॉल किया है, किस चीज का कॉल किया है, अलॉटमेंट का। और यहां पे क्या लिखोगे, टू डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट। कितना कॉल करोगे, अभी 12,000 पर ही कॉल करोगे, क्योंकि हमने 3,000 यहाँ पे रिटर्न कर दिया, तो अभी बचा कितना, 12,000 ही है जितना हमने इश्यू किया था। अब उसी पे कॉल करोगे। अब कितना कॉल करना है, 45 रुपीज। तो 45 के अकॉर्डिंग कॉल करोगे तो ये आपका आएगा 5,40,000। कितना आएगा ये, 5,40,000। आया समझ में, क्लियर हुआ। अब कॉल कर लिया, अब हमें क्या होंगे, पैसे मिलेंगे। तो जब हमें पैसे मिलेंगे उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और किस चीज के पैसे आ रहे हैं, डिवेंचर अलॉटमेंट के, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है। अब ऑन कॉपी पेस्ट कर दो, सारे पैसे मिल गए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी लिखा नहीं है कि पैसे नहीं मिले या एडवांस है या कुछ भी पॉइंट नहीं है एक्स्ट्रा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट है, नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉल का। अब सेम वही करो, अब फिर से वापस पैसे मांगोगे। तो जब हम फिर से पैसे मांगेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। कितना रुपए है, 25 रुपए है। तो सेम वही करो, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 25, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 25 करो तो कितना आएगा ये आपका, चेक कर लो, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 25, ये आपका हो जाएगा 3,00,000 रुपीज। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद ये पैसे हम लोग को मिलेंगे, हम रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने की एंट्री क्या होती है, सेम वही जो यहाँ पे था, सेम टू सेम पूरा हो जाएगा, पर डिफरेंस ऑफ अलॉटमेंट के बदले में कॉल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कॉल, क्योंकि ये पैसे किस चीज के हैं, कॉल के हैं। और अमाउंट कितना है आपका, 3,00,000 रुपीज है, यानी कि पूरा वही लिख दिया हमने। क्लियर हुआ, समझ में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना पड़ा, मैंने आपको यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं समझा दे रहा हूँ। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था इंटरेस्ट रेट है 10%, तो उस रेट का मतलब क्या है कि ये जो हमने डिवेंचर इश्यू किया हुआ, यहाँ पे जहां पे देखो डिवेंचर वर्ड यूज किया है, देखो डिवेंचर अकाउंट, फिर यहाँ पे डिवेंचर अकाउंट, यहाँ पे डिवेंचर अकाउंट, तो इसका मतलब ये है कि ये डिवेंचर की जो रेट है वो 10% है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक रेट होता है जो डिवेंचर के पहले लिखा होता है, जिससे पता चलता है कि इस डिवेंचर पे कितना इंटरेस्ट हमें फ्यूचर में पे करना है। तो क्वेश्चन जो आपके आते हैं एग्जाम में, वहां पे क्लियर लिखा रहता है 10% डिवेंचर। तो जब आप एंट्री करोगे ना, तो वहां पे एंट्री, यहाँ जैसे मैंने सिर्फ डिवेंचर लिखा ना, तो वहां पे कैसे लिखोगे, 2 10% डिवेंचर। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने डिवेंचर अकाउंट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 10% डिवेंचर। समझ में आया। देखो ये चीजें क्या होती है, छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर हम ध्यान नहीं देते तो। देखो हालांकि ये चीजें नहीं लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता है, बट एग्जामिनर क्या होता है, वो कौन से मूड से आया हुआ कुछ भरोसा नहीं होता है। सो बेटर है कि हम छोटी छोटी गलतियां ना करें, ये तो फिर वही होता है ना कि कहते हैं छोटी छोटी चीजें है ना बड़ा काम कर जाती है। तो वही होगा आपका, और जो मार्क्स मिलने वाले हैं आपको फ्री में वो चले जाएंगे। सो बेटर है कि इस चीज को याद रखना। ओके, ठीक है। तो हम लोग अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लो क्वेश्चन क्या है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, करवी कॉटन लिमिटेड। ठीक है, इसमें प्रीमियम वाला भी लिखा हुआ है और सेम क्वेश्चन ही ऑलमोस्ट, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्वेश्चन में हमारे क्या लिखा हुआ है, करवी कॉटन लिमिटेड इशूड 6,010% डिवेंचर ऑफ ₹500 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 40%। वही लिखा है, इश्यूड 6,000, राइट, 6,000 डिवेंचर है, 500 है, प्रीमियम कितना है 40%। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, ऑन विच द अमाउंट पर डिवेंचर वाज पेबल एज अंडर। क्या क्या था, विद एप्लीकेशन 200, अलॉटमेंट 3, फाइनल कॉल 2, राइट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अलॉटमेंट के टाइम में प्रीमियम मिला, तो प्रीमियम कितना होगा, 500 का 40% अगर आप करते हो तो आपका प्रीमियम कितना आएगा, ₹200 आएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ 100 मेन अमाउंट है और 200 आपका क्या है, प्रीमियम है। क्लियर हुआ इतना, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन में रिसीव्ड फॉर टोटल ऑफ 9,000 डिवेंचर्स from these excess applications were rejected and refunded the money received thereon. क्या बोला है कि एप्लीकेशन कितना मिला है 9,000 और जो एक्स्ट्रा थे उनको क्या किया रिजेक्ट किया है और उनका अमाउंट रिफंड कर दिया है. फिर आगे लिखा है ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वेयर ड्यूली रिसीव्ड पास जनरेटरी, यानी टाइम पर रिसीव किया है आपको जनरेटरी पास करनी है. तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, इश्यू किया 6, रिसीव किया 9, 3 रिजेक्ट किया, बाकी 3 कॉल है. समझ में आया, क्लियर हुआ. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव करोगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, जैसा कि पहले ही बताया था एंट्री क्या होगी आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन. थोड़ा शॉर्ट पे आ गया मैं, क्या करें मजबूरी का नाम आत्मा गांधी है ऐसा लोग कहते हैं, तो ठीक आप समझ जाओगे ना. डिवेंचर एप्लीकेशन डीए बोल तो रहा हूं ना मैं, ठीक है तो ध्यान यहां होगा 100% समझ जाओगे, नहीं तो डीए सलामेज भी पढ़ सकते हैं लोग. ओके तो यहां पर लिखोगे तो यहां पे कैसे लिखोगे, कितना हमने रिसीव किया था 9000 और प्राइस क्या था 200, तो यहां पे क्या होगा 9000 मल्टीप्लाई बाय 200. क्लियर है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 18 लाख. समझ में आया. उसके बाद ये अमाउंट हम क्या करते हैं रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं. रिस्पेक्टिव अकाउंट का मतलब है डिवेंचर में, और जो रिजेक्ट किया उनके घर पे वापस करना है, बैंक में वापस करना है. तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे, सबसे पहले तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू बैंक. तो देखो यहाँ पे तो भाई मैंने पहले ही कहा है कि बिना टेंशन के 18 लाख लिख दो. अब बात आती है डिवेंचर और बैंक की, तो हमारे डिवेंचर पर हमने इश्यू कितने किए थे 6000 किए थे, तो हमारा हक भी 6000 पे ही होगा. तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 200 और बचा कितना 3000, 3000 मल्टीप्लाई बाय 200 6 to the 12 यानी ये 12 लाख हो जाएगा और 3 to the 6 यानी ये हो जाएगा 6 लाख. मजा आ गया ना, सिंपल है, क्लियर है, ये कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया. हाँ ओके क्लियर हुआ. अभी आगे देखते हैं, हमारा ये फर्स्ट टारगेट क्लियर हो गया. अभी सेकंड टारगेट पे चलते हैं यानी अलॉटमेंट पे. तो अलॉटमेंट पे यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, थोड़ा सा 100 + 200 कुछ करके लिखा हुआ है, मतलब क्या यहाँ पे प्रीमियम है. लाइक प्रीमियम है तो प्रीमियम के लिए मैंने क्या कहा था कुछ नहीं करना है, सिंपल है जो आता है पहले उतना करते हैं कि हम क्या करेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर, इतना हमें आता है, इतना हमें आता है. हम यहाँ पे डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर अकाउंट इतना तो लिख ही लेंगे जितना हमें आता है. ओके तो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे डिवेंचर्स कितने थे हमारे 6000 के, राइट, और अलॉटमेंट अमाउंट कितना था 300 था, तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 300, राइट. अब उसके बाद जब डिवेंचर में मेन में जाओगे तो मेन अमाउंट हमारा कितना था 100 ही था ना, तो बाकी का क्या हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम. तो उसके लिए हम नाम क्या लिखते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. यहाँ पे क्या होगा 6000 मल्टीप्लाई बाय 200. समझ में आया, तो ये कितना होगा 18 लाख, ये कितना होगा 6 लाख और ये कितना होगा 12. समझ में आया, कुछ नहीं करना है, याद रखना जहां डिवेंचर वहां प्रीमियम, शॉर्ट में याद रखो जहां डिवेंचर वहां प्रीमियम. क्लियर है. नेक्स्ट एंट्री क्या होगी कि हमें इसके पैसे मिलेंगे जो हमने यहाँ पे कॉल किया है, इसकी एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट और अमाउंट कितना हो जाएगा 18 लाख, क्योंकि हमें तो पैसे सारे मिल जाएंगे जितना हमने कॉल किया. और क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि कॉल से एरियर्स या ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, तो हमें सारे पैसे मिल गए. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट हमारा क्या है फाइनल कॉल. तो फाइनल कॉल में क्या लिखोगे फाइनल कॉल टू डिवेंचर, शॉर्ट में याद रखो फाइनल कॉल टू डिवेंचर. फिर जब लिखने जाओगे तो वहां क्या लिखोगे डिवेंचर फाइनल कॉल टू डिवेंचर, राइट. उसके बाद यहाँ पे एंट्री कैसे करोगे अमाउंट, सॉरी 6000 मल्टीप्लाई बाय कितना अमाउंट है 200, तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 200, 6000 मल्टीप्लाई बाय 200. एक में लिखोगे तो भी चलेगा, मैंने दोनों में लिख दिया है चलेगा. तो ये कितना हो जाएगा 12 लाख और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 12 लाख. उसके बाद हम अमाउंट रिसीव करेंगे, तो जब अमाउंट रिसीव करोगे तो एंट्री क्या होगी बैंक टू डिवेंचर फाइनल कॉल। और अमाउंट तो पूरा रिसीव किया है, क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो यहाँ पे हम शांति से 12 लाख लिख देंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया इतना? तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन जो था वो प्रीमियम वाला था और वो कंप्लीट होता है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, एक चीज याद ये रखना है कि जैसे जहां जहां डिवेंचर लिखते हो, जैसे ये डिवेंचर, फिर यहाँ यहाँ ये रहा, ठीक है, सॉरी ये नहीं ये रहा, ओके। तो जहां जहां भी डिवेंचर हमारा आया वहां पे परसेंटेज लिखना जरूरी है। क्या है कि एग्जामिनर जो होते हैं ना, वो भाई क्या मूड से आए हो कोई पता नहीं होता, तो बेटर है कि ऐसे 2-10% डिवेंचर। क्लियर है, इसमें बेटर देखो मैं यहाँ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि शायद ये चीज है कि अगर मैं वो सारी चीजें लिखने जाऊंगा तो मैं आपको वो चीज नहीं बता पाऊंगा जो बहुत जरूरी है, ठीक है, इसलिए मैं ये सारी चीजें हटा देता हूँ या शॉर्ट में लिख देता हूँ। बट मैं आपको बताता रहूंगा कि भाई ये चीज मिस नहीं करना, ये चीज मिस नहीं करना, छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन कहते हैं ना कि घाव गंभीर कर देंगे। सो बेटर है कि आप इस चीज को ध्यान रखना, ओके। तो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप स्क्रीन पे अपने देख सकते हैं, ओके। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे डिस्काउंट की बात आ गई है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 15,000 डिवेंचर इशू किया हुआ है 80 रुपीज में डिस्काउंट के साथ, और लास्ट में साफ लिख दिया हो कि एक्सेप्ट कॉल ऑन 800। मतलब ये थोड़ा सा आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, ठीक है, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर रीड कर दूंगा ताकि आपको भी क्लियर समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पासवर्ड स्टील लिमिटेड इश्यूड 15,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट प्राइस ऑफ 80। यानी कि वही लिखा है, इश्यूड 15,000 ऑफ ₹100 ईच एट द रेट ऑफ 80। क्लियर है, उसके बाद फिर आगे क्या लिखा हुआ है, अमाउंट पर डिवेंचर वाज पेबल एज अंडर 25 एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन कॉल। और अलॉटमेंट के सामने ब्रैकेट में लिखा हुआ है आफ्टर डिस्काउंट। रीड किया होगा आपने, क्या लिखा है, आफ्टर डिस्काउंट। आफ्टर डिस्काउंट का मतलब ये होगा, ये जो डिस्काउंट 20 का दिख रहा है ना, वो यहाँ पर ही होगा। समझ में आया, क्लियर है। एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 35, दिखा में 35 था लेकिन एक्चुअल में है कितना 55, क्योंकि 20 यहाँ पे हिडन है, यानी वो डिस्काउंट है, ओके। और कॉल पे 20। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 15,000। जितना इश्यू किया था उतना ही मिला, रिजेक्ट करने वाला टेंशन ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे देखो, द कंपनी रिसीव्ड द फुल मनी कॉल्ड ऑन अलॉटमेंट एंड रिसीव्ड फुल अमाउंट ऑन कॉल। सब रिसीव कर लिया है एक्सेप्ट कॉल ऑन 800 डिवेंचर्स। क्या बोला है, सिर्फ 800 डिवेंचर वाले थोड़े ज्यादा अच्छे निकल गए और उन लोगों ने नहीं पे किया है। तो आपको याद होगा जैसा शेयर्स में मैं करता था वैसे ही मैंने यहाँ पे इसके सामने कैंसिल कर दिया, 800 डिवेंचर लिखा। मतलब ये है कि 800 लोगों ने कॉल पे नहीं किया है। क्लियर है, समझ में आया। फिर आगे लिखा पास्ट जनरल एंट्रीज। तो बाकी सब चीजें तो हमारे लिए रोज का काम है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करोगे, एप्लीकेशन का अमाउंट लिखोगे, रिसीव करोगे, तो रिसीव की एंट्री क्या होगी, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, राइट। डिवेंचर एप्लीकेशन कितना है यहाँ पे हमारा 15,000 है, मल्टीप्लाई बाय 25, 15 नहीं लिखते, चलो दो बार कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, एक ही बार लिखते हैं। तो क्या है 15,000 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये कितना हो जाएगा 3,75,000। ये आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 3,75,000, 3,75,000। और रिजेक्ट करने वाला टेंशन है नहीं, इसलिए बस क्या करोगे, यहां पे लिखोगे डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर। अमाउंट कितना है 3,75,000। क्लियर है, समझ में आया इतना। अब उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है हमारा अलॉटमेंट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे आफ्टर डिस्काउंट लिखा है, मतलब ये है, ये एक्चुअल में ऐसा कुछ दिख रहा है ना, ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि मैं यहाँ पे 55 रुपीज है, यहाँ पे है भले 35, लेकिन हमें तो पता है कि हमारी जो डिवेंचर की प्राइस थी वो 55 थी, तो हमें तो वही माइंड में रखना है। लेकिन हम दुनिया से मांगते कितना, सिर्फ 35 रुपीज मांगते हैं, तो जो 20 का होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए डिस्काउंट हो जाता है, ठीक है। तो उसकी एंट्री हम लोग कैसे करते हैं वो देखो। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट, राइट। डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है, तो उसकी एंट्री भी यहां भी कर दोगे, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। और यहाँ पे लिखोगे टू डिवेंचर। क्लियर है। अब जो अमाउंट है वो कैसे लिखोगे, यहाँ पे 15,000 मल्टीप्लाई बाय 35, यहाँ पे 15,000 मल्टीप्लाई बाय 20, यहाँ पे देखो। ठीक है, वही चीजें लिखी है मैंने। तो ये याद रखना कि डिस्काउंट जो हमेशा डेबिट होता है और प्रीमियम जो है हमेशा क्रेडिट होता है, जब हम कॉल करते हैं तब की बात बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे 15,000 मल्टीप्लाई बाय 55, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8,25,000, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5,25,000 और यहाँ पे हो जाएगा 3,00,000। आया समझ में, क्लियर हुआ। तो ये था हमारा डिबेंचर अलॉटमेंट का एंट्री। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पैसे मिलेंगे, राइट। हमें जब पैसे मिलेंगे तो उसकी एंट्री क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। तो पैसे कितने मिलेंगे, 525 या 825? डेफिनेटली 525, क्योंकि आपने लोगों से मांगे कितने हैं, 525 मांगे हैं, तो वही पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे 5,25,000, 5,25,000। क्लियर है। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट है कॉल, राइट। अब कॉल में वैसे दिख तो रहा है यहाँ पे कुछ ऐसा, लेकिन हम जब मान लेते हैं तब थोड़ी हमें पता होता है कि कोई पैसे देगा या नहीं देगा, वो तो हमें बाद में पता चलता है ना। अब शुरू में थोड़ी पता चलेगा कौन भाई अच्छा है कौन बुरा है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम सबसे पैसे मांग लेते हैं। तो चलो हम पैसे मांगते हैं, तो जब हम पैसे मांगेंगे तो क्या लिखोगे, कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। हमने जब पैसे मांगे तो कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। अब यहाँ पे जो एंट्री किया होगा वो कैसे लिखा होगा, 15,000 मल्टीप्लाई बाय कितना है, 20 है, यानी ये अमाउंट था 3,00,000। तो यहाँ पे तो हमने भाई 3,00,000 लिख दिया। उसके बाद हमें पैसे मिले होंगे, जब पैसे मिलने की तारीख आई, डेट आई, तो पता चला 800 लोगों ने तो पैसे ही नहीं दिए। तो जब वो पैसे नहीं दिए तो क्या हो गया, कॉल से एरियर हो गया, और कॉल से एरियर क्या होता है, डेबिट होता है, राइट। क्लियर है। एंट्री क्या करोगे, सबसे पहले जो पैसे मिले भाई, जो लोग अच्छे थे उन्होंने पैसे दे दिए तो उनका अमाउंट हम बैंक अकाउंट में लिख देंगे, और जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए उनका हम लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स, और पूरा का पूरा हम लिख देंगे डिवेंचर अकाउंट। तो यहाँ पे तो चला जाएगा 3,00,000, यहाँ पे है 800 लोग हैं और 20 रुपीज है, तो ये जाएगा 16,000। डिफरेंस निकालोगे तो शांति से लिख दो 284। ज्यादा स्मार्ट बनना है तो यहाँ पे 800 है, डिवेंचर कितना था 15,000, 15,000 में से 800 गया तो कितना आएगा 14,200 मल्टीप्लाई बाय 20, पूरा लिखा दो भाई। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा एंड होता है, और साथ ही साथ आज का वीडियो भी। ठीक है, आज हमने क्या सीखा, 3 चीजें सीखी हैं, 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया। किस चीज पे किया है, एक पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे, डिवेंचर्स के एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तीनों चीजों पे हम लोगों ने किया है, पूरा फुल लेंथ क्वेश्चन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो अब इतना मैंने किया है, तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग थोड़ी मेरी हेल्प करेंगे, ये कि आप लोग वीडियोस को शेयर करेंगे, फ्रेंड्स के साथ बांटेंगे, उनको दिखाएंगे कि अगर उन्हें अच्छा लगा तो अच्छी बात है, और शायद उसको हमें कुछ सीखने के लिए मिल जाए। और सब्सक्राइब तो करना ही है, शेयर है तो सब्सक्राइब है, ठीक है, लाइक कमेंट्स भी कर देना और अच्छा लगेगा मुझे। ओके, क्लियर है। तो आप लोग इसी तरह मेरा वीडियोज देखते रहो, एंजॉय करते रहो। ठीक है, मिलते हैं।